Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, this is Aishan Rastan. One who stops learning becomes old. One who keeps on learning stays young. The greatest thing in the world is to keep your mind young. जैसे कि कहा जाता है कि जो सीखना छोड़ देते हैं वो बूढ़े हो जाते हैं और जो हमेशा सीखते रहते हैं वो जवान रहते हैं और दुनिया में सबसे बेहतरीन चीज़ यही है कि आपका दिमाग जो है वो हमेशा जवान रहे। हम इंग्लिश लैंग्वेज की आज की क्लास में जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम विल का इस्तेमाल पढ़ेंगे। आज आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा। अब इस विल का मुकम्मल यूज कैसे किया जाता है आज के लेक्चर के अंदर हम आपको ये सिखाने जा रहे हैं। जी नाजरीन, तो सबसे पहले है रैपिड डिसीजन। विल जो इस्तेमाल होता है उर्दू में, पहले मैं आपको समझा दूं, विल को उर्दू मतलब वहां यूज होता है जहां पे आप कहते हैं का है, वी या गे। लेकिन ये कहां कहां इस्तेमाल होता है? सबसे पहले जो है वो रैपिड डिसीजन, यानी कि जब आप फौरन फैसला करते हैं तो वहां पे आप विल का इस्तेमाल करते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल सेंटेंस है, आई एम थर्स्टी, आई थिंक आई विल बाय अ ड्रिंक। आप कहते हैं आई एम थर्स्टी, आई थिंक आई विल बाय अ ड्रिंक। मैं प्यासा हूं, मुझे प्यास लगी है, मेरे ख्याल से मैं एक ड्रिंक खरीदता हूं या एक ड्रिंक खरीदूंगा। जैसे आप कहते हैं आई एम हंग्री, आई थिंक आई विल ईट समथिंग। I have money, I will buy a car. फौरन फैसला कर दिया, मेरे पास पैसे हैं, मैं एक कार खरीदूंगा। ये आपका रैपिड डिसीजन है जो आप करने जा रहे हैं। This is the first use. Second use है offer. जब आप किसी चीज की पेशकश करते हैं किसी को, जैसे आप कहते हैं ना that looks heavy, I will help you with it. जैसे आप कहते हैं I will help you, मैं आपकी मदद करूंगा। एक बंदा अकेले जा रहा है बाजार, he has no company with him, तो आप कहते हैं I will go with you। आप उसको ऑफर कर रहे हैं कि मैं आपके साथ जाऊंगा। ये ऑफर करने के लिए हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। थर्ड वन इज प्रॉमिस। वादा करने के लिए भी आप विल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप कहते हैं डोंट वरी, आई वोंट टेल एनीवन, परेशान मत हो मैं किसी को नहीं बताऊंगा। जैसे आप किसी कहते हैं डोंट वरी आई विल हेल्प यू इन लर्निंग इंग्लिश, या आप उसके साथ प्रॉमिस कर रहे हैं कि परेशान मत हो मैं आपकी मदद करूंगा इंग्लिश सीखने के अंदर। डोंट वरी, परेशान मत हो, आई वोंट टेल एनीवन दैट यू आर हियर, परेशान मत हो मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि तुम यहां पे हो। आई वोंट टेल एनीवन, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, ये प्रॉमिस है। द फोर्थ वन यूज इज थ्रेट। किसी को धमकी देने के लिए भी हम विल का इस्तेमाल करते हैं। थ्रेट का मतलब होता है धमकी देना, धमकाना किसी को, थ्रेटन। If you don't stop, I will tell your mother. एक बंदा सिगरेट पी रहा है, आपने उसे मना किया भाई सिगरेट ना पिया कर, it's not good for health. वो फिर पी रहा है, फिर आप उसे थ्रेट देंगे, भाई अगर तुमने सिगरेट पीना नहीं छोड़े मैं तुम्हारी अम्मी को बताऊंगा। If you don't stop, I will tell your mother. अब ये क्या कर रहा है, उसे थ्रेट दे रहा है भाई सिगरेट छोड़ दो वरना अम्मी को बताऊंगा। नंबर फिफ्थ इन रिफ्यूजल, इनकार के लिए, रिफ्यूजल के लिए हम विल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वहां पे विल नेगेटिव के सेंस में आता है, मतलब नेगेटिव सेंटेंस के अंदर आता है, विल नॉट करके आता है। और विल नॉट की जगह जो हम कंट्रक्शन इस्तेमाल करते हैं वो होता है वॉन्ट। वो क्या होता है? वॉन्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल वो कहता है ही वॉन्ट लिसन टू एनीवन, आई थिंक रिफ्यूजल है, वो नहीं सुनेगा। एक बंदा कह रहा है ही वॉन्ट टॉक विद यू राइट नाउ, वो तुमसे अभी बात नहीं करेगा, ये रिफ्यूजल है। आप अपना कहते हैं आई वॉन्ट डू योर वर्क, मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा, ये रिफ्यूजल है। आई वॉन्ट गिव माई मोबाइल टू यू, मैं अपना मोबाइल तुम्हें नहीं दूंगा, ये रिफ्यूजल है। तो अब विल के हमने कितने पांच यूज पढ़े। आई एम जस्ट गोना रिपीट इट। द फर्स्ट रैपिड डिसीजन, जब आप फौरन फैसला करते हैं। द सेकेंड ऑफर, किसी को किसी चीज की पेशकश कर रहे हैं। द थर्ड वन प्रॉमिस, जब आप किसी के साथ वादा कर रहे हैं। द फोर्थ वन थ्रेट, जब आप किसी को धमकी देते हैं। एंड द फिफ्थ वन इज रिफ्यूजल, जब आप इनकार कर देते हैं कुछ करने से। वी यूज ओवर देयर विल। अब आप इनकी खूब प्रैक्टिस करें, मेक सो मेनी सेंटेंसेस एंड मेमोराइज ऑल द मेन पॉइंट्स। थैंक यू वेरी मच एंड कीप ऑन वॉचिंग आवर वीडियोस एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।